I welcome you all in my classroom. Today we will study linear equation one variable. Exercise 2.3, that is solving equation having a variable on both sides. We'll discuss in detail exercise 2.3, question number 1 to 10. Let's start, students. Students, welcome to my class. Today we'll study solving linear equation having variable on both sides. Before this, students, we have studied till now linear equation को सॉल्व करना हमने सीख लिया. उसमें क्या होता था, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में इक्वेशन हुआ करती थी, राइट स्टूडेंट. इस तरह से उसको हम सॉल्व करते थे, ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू सी, इस तरह की इक्वेशन हुआ करती थी और उसको हम सॉल्व करते थे. दैट इज हम एक्स की वैल्यू निकालते थे. नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट दिस इक्वेशन इक्वल टू सी एक्स प्लस डी. अगर इस तरह की कोई इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप देख रहे हो यहाँ भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और यहाँ भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वेशन जो ये दी हुई है हमें, इस इक्वेशन में दोनों साइड, बोथ साइड LHS एंड RHS एक्सप्रेशंस दी हुई हैं. तो इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारे पास, फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो वेरिएबल्स वाली टर्म्स हैं उनको, जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड कर देंगे, जहाँ LHS जहाँ RHS. अपनी सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी वेरिएबल वाली टर्म है जैसे CX और AX है, तो इनको हम LHS में ट्रांसफ़र कर देंगे. दैट इज़ हमारे पास AX माइनस CX आएगा इक्वल टू बी प्लस डी. यानी इस तरह से बन जाएगी. तो ये क्या बन जाएगी, इसमें वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ होंगी और कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ होंगी. तो इस इक्वेशन को हम, जैसे हम 2.1 में सॉल्व करते थे, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे जो वन वेरिएबल में होती थी, उसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं. अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे. 2.3 एक्सरसाइज जो है हमारी, हम उसको आज लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे. देखेंगे कि हम लीनियर इक्वेशन, सॉरी, जो इक्वेशन होगी जिसमें वेरिएबल होते हैं दोनों साइड्स, उसको सॉल्व कैसे करते हैं. स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने लिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर सॉल्यूशन. तो ये इक्वेशन दी हुई है, फर्स्ट पार्ट इसका है. आप इस इक्वेशन में देख रहे हो कि हमारे पास वेरिएबल इस तरफ भी हैं LHS में और RHS में भी है. तो इसको सॉल्व करेंगे हम. सॉल्यूशन हमें क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन दी हुई है. क्या है गिवन इक्वेशन? गिवन इक्वेशन है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18. स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास, उसमें क्या है, हम यहाँ पे ये वेरिएबल वाली टर्म है, यहाँ पे वेरिएबल वाली टर्म है, तो हम वेरिएबल वाली टर्म्स जो हैं LHS में ट्रांसफ़र कर देते हैं. यानी ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोजिंग 2x टू LHS. LHS में अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं 2x को, तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3x, ये इस तरफ आएगा प्लस में, तो इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 18. नाउ स्टूडेंट, यहाँ से 3x में से 2x निकालेंगे तो x आएगा इक्वल टू 18. दैट इज़ हमने इसकी सॉल्यूशन निकाल दिया, इसका x इक्वल टू 18 आएगा. नाउ स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, चेक योर सॉल्यूशन. इसको चेक भी करना है. चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं. LHS क्या है स्टूडेंट हमारे पास, 3x हमारे पास है LHS. तो 3x में यानी x की जगह हम 18 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, 3 इंटू 18 कितना आ गया स्टूडेंट, 54. नाउ स्टूडेंट, RHS लेते हैं. RHS क्या है हमारे पास, 2x प्लस 18, तो 2x प्लस 18, तो x की जगह 18 बढ़ेंगे, 2 इंटू 18 प्लस 18, तो स्टूडेंट क्या आएगा, 2 इंटू 18 36 प्लस 18
कितना आ गया? यस 54। नाउ स्टूडेंट आप देख सकते हो LHS में हमने वैल्यू भरी x की तो 54 आया, RHS में भी वैल्यू भरी x की 54 आया, दैट इज LHS इक्वल टू RHS। यहां से लिख सकते हैं हम LHS इक्वल टू RHS, तो इसका मतलब हम नीचे भी लिख सकते हैं हेंस आवर सॉल्यूशन सॉल्यूशन इज करेक्ट, कि हमारा सॉल्यूशन जो है करेक्ट है, राइट स्टूडेंट। अब इस तरह से अगर हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं स्टूडेंट, सेकंड पार्ट क्या है, इसी का सेकंड पार्ट जो है, इस फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5 सॉल्यूशन। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन हमारे पास है 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5, ये हमारे पास। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 3t एंड 5t दो टर्म्स हैं वेरिएबल वाली, अब हम क्या करेंगे वेरिएबल जो वाली टर्म्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर देंगे LHS में, तो क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोजिंग किसको ट्रांसफर करेंगे 3t को टू LHS, 3t को LHS ट्रांसपोज करेंगे एंड ट्रांसपोज कर देंगे जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, ट्रांसपोज करेंगे कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे 3 है तो इसको 3 टू RHS, राइट स्टूडेंट। क्या किया हमने 3t को इस तरफ ट्रांसपोज कर दिया और माइनस 3 जो है 3 जो है हमने उस RHS में ट्रांसपोज कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 5t यस, एंड 3t को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ प्लस में यहाँ के माइनस हो जाएगी, राइट। नाउ माइनस 3s को ट्रांसपोज करेंगे उस तरफ माइनस 5 प्लस 3 हो जाएगा। नाउ 5t माइनस 3t इज 2t इम्प्लाइज विच इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3 इज माइनस 2 इम्प्लाइज, नाउ इस 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ डिवाइडिंग या ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा टी इक्वल टू माइनस 2 बाय 2 माइनस 2 बाय 2 इज 1 माइनस 1, राइट माइनस 1 आएगा। नाउ स्टूडेंट हम क्या निकालेंगे, हम हमें चेक करना है तो लिखेंगे चेक, चेक के लिए क्या करेंगे LHS फाइंड आउट करेंगे, LHS क्या है 5t माइनस 3 5t, टी की जगह क्या करेंगे माइनस 1 5 माइनस 1 माइनस 3 5 माइनस माइनस 5 इक्वल टू माइनस 5 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 इज माइनस 8। नाउ RHS फाइंड आउट करेंगे, RHS क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 3t माइनस 5 तो 3t माइनस 5 3t माइनस 5 एंड टी की जगह क्या करेंगे स्टूडेंट माइनस 1, तो क्या आया 3 इंटू माइनस 1 माइनस 5, क्या आया स्टूडेंट माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 5 इज माइनस 8। नाउ स्टूडेंट आप देख सकते हो LHS हमारे पास माइनस 8 आया और RHS भी हमारे पास माइनस 8 आया, इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, राइट स्टूडेंट। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन भी करेक्ट है, इसका मतलब t इक्वल टू माइनस 1 इज करेक्ट सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है जो है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। गिवन इक्वेशन दी हुई है हमें, गिवन इक्वेशन स्टूडेंट गिवन इक्वेशन क्या है 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। इस इक्वेशन में आप देखोगे यहाँ भी वेरिएबल वाली टर्म्स दोनों साइड है, बोथ साइड पे है, इस साइड भी है और इस साइड भी है। हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल वाली टर्म्स को LHS में ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे ट्रांसपोजिंग किसको 3x को 3x टू LHS, और जो हमारे पास ये 9 है कांस्टेंट टर्म वाली टर्म्स है इसको RHS में ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे 9 टू
आर एच एस राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 5x माइनस ये प्लस में इस तरह का के माइनस हो जाएगा एल एच एस में, और यहाँ पे 5 तो इसको 9 को ट्रांसपोज किया तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो गया। 5x माइनस 3x इज 2x विच इज इक्वल टू 5 माइनस 9 इज माइनस 4। इट मीन्स एक्स क्या आया हमारे पास, इस 2 को भी ट्रांसपोज करेंगे इस तरफ तो हमारे पास आया माइनस 4 बाय 2, क्या आया माइनस 2, माइनस 4 बाय 2 इज माइनस 2। अब हमें क्या करना है, एल एच एस चेक करना है। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या माइनस 2 इसका सलूशन है। तो एल एच एस फाइंड आउट करेंगे, एल एच एस क्या, 5x प्लस 9, तो x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस 2 प्लस 9, 5 माइनस 2, 5 इंटू माइनस 2 इज माइनस 10 एंड प्लस 9 कितना हो गया स्टूडेंट, माइनस वन आ गया ना स्टूडेंट। अब आर एच एस फाइंड आउट करेंगे, तो आर एच एस क्या है हमारे पास, आर एच एस है 5 प्लस 3x, 5 प्लस 3x, तो 5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू x जगह माइनस 2, क्या आया 5 3 इंटू 2 इज माइनस 6, क्या 5 माइनस 6 इज माइनस 1। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे एल एच एस माइनस 1 आया, आर एच एस भी माइनस 1 आया, तो इम्प्लाइज हमारे पास एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया। इट मीन्स हमारा सोल्यूशन जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे ही है, सिमिलर है ये, यहाँ पे 5x था, यहाँ पे 4x है, और यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x होगा सोल्यूशन। अब आप वीडियो को पॉज कर लो और सॉल्व करो इसको, 4x प्लस 3 इक्वल टू 6x प्लस 6 प्लस 2x। तो स्टूडेंट गिवन इक्वेशन क्या दी हुई है हमें, सबसे पहला गिवन इक्वेशन है 4x प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2x। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स इसको, यस अब हम क्या करेंगे इसको, इस 2x को ट्रांसपोज करेंगे इस तरफ और 3 को ट्रांसपोज करेंगे आर एच एस में, यानी हम क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोजिंग 2x टू एल एच एस एंड 3 टू सॉरी 6 टू 6 को नहीं 3 को करेंगे आर एच एस में, 3 टू आर एच एस। हमारे पास क्या आएगा 4x प्लस ये इस तरह इसको ट्रांसपोज करेंगे प्लस 2x को, इस तरह माइनस 2x आ जाएगा, करो 6 इसको ट्राई करेंगे उधर तो माइनस 3 आ जाएगा राइट। 4x माइनस 2x क्या हो गया 2x, 6 माइनस 3 क्या हो गया माइनस 3 सॉरी प्लस 3। यहाँ से x को इस 2 को अब ट्रांसफर, क्योंकि हम x निकालने जाते हैं, 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा x इक्वल टू 3 बाय 2। तो ये हमारा x इक्वल टू 3 बाय 2 निकल चुका है। नाउ स्टूडेंट अब हमें चेक करना है, चेक करने के लिए अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी हम एल एच एस फाइंड आउट करेंगे। एल एच एस क्या 4x प्लस 3, यानी 4 इंटू x क्या 3 बाय 2 प्लस 3, 2 2 कैंसिल पीछे क्या हो जाए 3 प्लस 3 इज 6। अब आर एच एस फाइंड आउट करेंगे, आर एच एस क्या हमारे पास, आर एच एस है 6 प्लस 2x, तो 6 प्लस 2 इंटू 3 बाय 2, 2 एंड 2 कैंसिल पीछे के बजे 3 प्लस 6 इज 9। नाउ स्टूडेंट आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन का आंसर आया हमारे पास क्या आया, हमारे पास था 4x प्लस 3 यहाँ पे क्या आया था, पहले यहाँ पे देखेंगे 2 1 2 2 2 4, 2 3 6, यहाँ पे 6 आया था राइट स्टूडेंट, यहाँ पे आया था 6 प्लस 3 इक्वल टू 9, तो यहाँ पे भी 6 2 2 कैंसिल पीछे क्या 6 प्लस 3 इज 9, तो क्या आया इम्प्लाइज एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। मान लो स्टूडेंट्स जैसे हमने यहाँ पे गलती से निकला था हमारा 6,
मान लो यहाँ पे 60 होता, यहाँ पे 9 होता, तो फिर इस इक्वेशन का सलूशन ये नहीं होता। दैट इज हमने जो सलूशन होना तो था इसका कोई, लेकिन जो हमने निकाला था 3/2 वो गलत होता। दैट इज हमारा क्वेश्चन ही गलत होता, लेकिन 9 आ रहा है, इट मीन्स दिस सोल्यूशन इज करेक्ट। हम लिख सकते हैं हैंस एक्स इक्वल टू 3/2 इज करेक्ट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, लिख भी सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, 2x-1 इक्वल टू 14-x। सोल्यूशन तो हम लिखेंगे, गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, गिवन इक्वेशन क्या है, 2x-1 इक्वल टू 14-x। तो अब यहाँ पे क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 2x है, यहाँ भी x है, यानी वेरिएबल इस तरफ भी है, तो हम वेरिएबल एक तरफ करेंगे। दैट इज क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोजिंग किसको ट्रांसपोज करेंगे, एक्स टू एल एच एस, एंड इस 1 को हम उस तरफ ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट इस तरफ नहीं चाहिए। एंड ट्रांसपोज 1 टू आर एच एस, राइट। नाउ लुक, 2x एल एच एस में था, हमने इसको भी ट्रांसपोज कर दिया था, तो यहाँ पे बन गया प्लस में, क्योंकि माइनस था एल एच आर एच एस में, इक्वल टू 14 आर एच एस में ऑलरेडी है, -1 को ट्रांसपोज किया तो +1 आ गया। इम्प्लाइज 2x प्लस एक्स इज 3x, इक्वल टू 14 + 1 इज 15। इम्प्लाइज एक्स जो आया हमारे पास क्या है, 15/3, 15/3 इज 5, राइट। एक्स क्या निकला हमारे पास, 5। अब हमें क्या करना है, चेक करना है सोल्यूशन को, तो चेक करेंगे, चेक एल एच एस निकालेंगे। एल एच एस क्या है हमारे पास, 2x-1, 2x यानी 2 × 5 - 1, 2 × 5 इज 10, 10 - 1 इक्वल टू 9। नाउ आर एच एस फाइंड आउट करेंगे, आर एच एस क्या हमारे पास, आर एच एस है 14-x, 14-x दैट इज 14, एक्स क्या निकला -5, 5 निकला, तो अब हम यहाँ पे आएगा 14-x इज 5 इज 9, यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आया। यहाँ से क्या पता चलता है स्टूडेंट, क्योंकि इक्वेशन जो होती है उसका एल एच एस और आर एच एस इक्वल हो गया। दैट इज ये जो एक्स की वैल्यू 5 निकली वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की टर्न आती है, सोल्यूशन गिवन इक्वेशन दी हुई है जो हमें, अब पहले हम देखेंगे क्या ये इक्वेशन है, तो हमारे माइंड में सीधा स्ट्राइक होना चाहिए कि क्या देखेंगे इक्वेशन के लिए, भाई इसमें इक्वलिटी का साइन होना चाहिए, तो इक्वलिटी का साइन है, इट मीन्स ये इक्वेशन है, तो हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या है, 8x + 4 = 3 × x-1 + 7। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसमें ब्रैकेट है, तो हम ब्रैकेट को क्यों ना सॉल्व कर लें, 8x + 4 = 3 × x इज 3x, 3 × -1 इज -3 + 7, यानी 8x + 4 = 3x - 3 + 7 इज यस 4, प्लस में आएगा क्योंकि बड़ा वाला 7 है। यहाँ से आप स्टूडेंट ये लीनियर इक्वेशन, सॉरी ये इक्वेशन बनी है जिसमें एक्सप्रेशन है बोथ साइड, तो हम क्या करेंगे, यस हम वेरिएबल को एल एच एस में ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोजिंग किसको, यस 3x → LHS, एंड और क्या, और इस 4 को 2RHS, 4 को RHS में ट्रांसपोज कर देंगे, क्या आएगा स्टूडेंट, 8x इसको इस तरफ किया, -3x, क्यों आया माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस में था, इक्वल टू यहाँ पे 4 है, -4 - 4 इज 0, प्लस 8 - 3x इज 5x, 5x इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसको ट्रांसपोज करेंगे 5 को उस तरफ, तो x इक्वल टू आएगा 0/5, 0/5 इज 0। नाउ स्टूडेंट हमें चेक करना है, तो चेक करने के लिए हम एल एच एस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आएगी 8 × 0, यानी एल एच एस क्या हमारे पास 8x + 4, यानी 8 × 0
plus 4, that is 8 into 0 is 0, plus 4 equal to, yes, 4. अब RHS निकालते हैं अगर हम, तो RHS क्या है student? RHS है हमारे पास 3 into x minus 1 plus 7, 3 into x minus 1 plus 7. अब देखिए, x की जगह 0 भरिए, minus 3, sorry, 3, 0 minus 1 plus 7. क्या आया? 0 minus 1 is minus 1, minus 1 into 3 is minus 3 plus 7. क्या आया? Equal to 4. अब LHS क्या आया था? 4. RHS क्या आया? 4. Implies LHS equal to RHS. LHS RHS के equal है. It means हमारा solution बिल्कुल accurate है. That is, इस equation का solution क्या है? X equal to 0. Now student, question number 7. ये है. ये भी equation है क्योंकि equal to का sign है. ऐसे भी equation ही दी हुई हूँ. Given equation दी हुई है हमें. Given equation x equal to 4 by 5 into x plus 10. अब ये तो equation है. अब देखिए 5 divided में हम division हटा लेते हैं. जहाँ हमारे पास एक और option होता है, हम क्या करें? इसको multiply करें, bracket solve करें. अब हम क्या करते हैं? इस 5 से 5 को transpose करेंगे इधर, right? इसको इधर transpose करें. Transpose करेंगे जब इधर, जहाँ division में है, तो यहाँ पे क्या आएगा? Multiply. हम इसका मतलब यहाँ पे आएगा 5x equal to 4 into x plus 10, right? क्या किया? 5 को transpose किया, तो यहाँ divide में यहाँ multiply हो जाएगा. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया 5x equal to, bracket solve करेंगे, 4 into x is 4x, 4 into 10 is 40, right? यहाँ पे अब क्या करेंगे? Transpose करेंगे 4x को LHS में, तो transpose कर देंगे हम, transpose 4x to LHS, LHS में करेंगे तो क्या आएगा? 5x minus 4x equal to 40 implies 5x minus 4x is, yes, कितना आता है? x equal to 40, x कैंसिल कर दिया 40. Now student, हम अब हमें चेक करना है. चेक करने के लिए LHS निकालते हैं. LHS क्या हमारे पास? x, x क्या निकला? 40, right? RHS निकालते हैं. RHS क्या है हमारे पास? 4 by 5 x plus 10, x plus 10, right? 4 by 5 x plus 10, यानी 4 by 5 x क्या? 40 plus 10, right? देखिए, 40 plus 10 is 50, that is हमारे पास क्या है? 4 by 5, 4 by 5 into 50. 5 1s are 5, 5 10s are 50, 10 4s are क्या होता है? 40, right? अब हमारे पास 10 5s are 40 आ गया, right? 10 4s are 40, implies LHS हमारे पास RHS के equal आ गया. That is हमारा solution जो है, बिल्कुल accurate है, क्योंकि x equal to 40 इस equation का सॉल्यूशन है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 बात करते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे. गिवन इक्वेशन क्या दी हुई है हमें? गिवन इक्वेशन है 2x plus 2x by 3 plus 1 equal to 7x by 15 plus 3. यहां पे देखिए, हम वेरिएबल वाली टर्म से एक तरफ ट्रांसपोज करेंगे, और तो हम क्या करेंगे? ट्रांसपोजिंग, ट्रांसपोजिंग किसको? 7x को, 7x divided by 15 को 2 LHS ट्रांसपोज कर देंगे हम. एंड और क्या करेंगे? और 1 को RHS में, एंड 1 टू RHS ट्रांसपोज कर दिया हमने, राइट? तो इक्वेशन क्या बनी हमारे पास? 2x by 3, 7x by 15 को इस तरफ कर दिया, 7x divided by 15 को आगे इस पर ट्रांसपोज. इधर 3 था ऑलरेडी, और 1 को उधर दिया तो -1. Now student, you can see here, this is expression, this is rational number and this is rational number. अब rational number को solve करने के लिए हम क्या करते हैं? LCM लेते हैं, 3 and 15 का LCM 15. Now 15 divided by this 3 is, yes, 5 2s are 10x. Now 15 divided by 15 is 1, 1 multiply 7 is minus 7x.
equal to 3 minus 1 is 2. Now tan x minus 7x is 3x. 3x divided by 15 equal to 2. Now 3 1s are 3, 3 5s are 15. Kya aaya? 5 ko transpose karenge to x equal to kya aayega? 5 2s are 10. To x hamare paas nikal chuka hai 10. Ab hamara kaam kya hai? Check karna. To check kaise karte hain? Check karna hai hame LHS dekhna hai. LHS kya hai? 2x by 3 plus 1. Ab x kya nikla hamare paas? 2 into 10 divided by 3 equal to 1. 2 into 10 is 20. 20 divided by 3 plus 1, 20 plus 1. Now ये linear equation है, sorry rational number, इसके नीचे वाला क्या आएगा? 3, 20 plus 3 equal to 23 by 3. Now RHS में चलते हैं, तो RHS क्या है हमारे पास? RHS हमारे पास 7x divided by 15 plus 3. Now अब यहाँ पे देखेंगे 7x divided by RHS जो है, RHS है x की जगह 7x divided by 15, x की जगह क्या निकलेंगे, लिखेंगे हम 10. 7 into 10 divided by 15 plus 3, right? 7 into 10 is 70 divided by 15 plus 3. Now देखिए 14 5s होते हैं 70 और 3 5s होते हैं 15 plus 3. Now यहाँ पे इसके नीचे 1 है, इनको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 और 1 कैल्सियम आ गया 3. 3 divided by 3 is 1, 1 multiply 14 is 14. 3 divided by 1 is 3, 3 multiply 3 is 3 divided by 1 is 3, 3 multiply 3 is 9. ये आ गया 23 by 3. Students, LHS हमारे पास आया था 23 by 3, RHS भी हमारे पास आया 23 by 3. It means क्या हो गया हमारे पास? ये जो solution निकला था हमारे पास x equal to 10 is, हम लिख सकते हैं LHS equal to RHS. Guys, our solution is, हमारा solution जो है is correct. क्या correct है? X equal to 10 इसका solution है, वो correct. Student, question number 9 जो है, ये है given equation जो हमें दी हुई है, वो क्या है? 2x plus 5 by 3 equal to 26 divided by 3 minus x. तो स्टूडेंट क्या करेंगे, हम वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे x टू LHS एंड 5 बाई 3 टू RHS. क्या आएगा? 2x इस तरफ इसको ट्रांसपोज करेंगे प्लस x इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 3, 5 उधर जाएगा उस तरफ RHS में प्लस का माइनस हो जाएगा डिवाइड बाई 3. 2x प्लस x इज 3x equal to 3. LCM है, यहाँ पे 26 minus 5, that is 3 divided by 3 is 1, 1 multiply 26 is 26. Similarly 3 divided by 3 is 1, 1 multiply 5 is this. 26 minus 5 is, yes, 21 divided by 3. क्या होता है 21 divided by 3? Is 3, 3 होता है, तो x आ जाएगा 3, ये 3 इसके लिए जाएगा, 3 divided by 3 is 1. अब स्टूडेंट इसका हमने क्या निकालना है, हम इसका चेक निकालेंगे, चेक क्या हमारे पास करेंगे इसको चेक, तो LHS लेंगे इसका. LHS हमारे पास 2x डिवाइड बाय, सॉरी 2x है सिर्फ, 2x प्लस 5 बाय 3, तो x क्या निकला 1 प्लस 5 बाय 3, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 5 बाय 3, कैल्शियम 1, इसका 2 और 1 और 3 कैल्शियम 1, ना सॉरी 3, 3 डिवाइड बाय 3 इज 3, 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6, 3 तो यहां पे आएगा 5, यहां पे आएगा 11 बाय 3. नाउ स्टूडेंट इसका RHS लेते हैं, RHS जो है वो है 26 डिवाइड बाय 3 माइनस x, 26 डिवाइड बाय 3 माइनस 1, राइट, 26
डिवाइड बाय 3 प्लस माइनस 1, क्योंकि x की जगह हमारे पास 1 है। पहले इसको चेक करेंगे एक बार, 2x प्लस 2x प्लस 5 बाई 3, 2 इंटू 1 क्योंकि 1 की जगह यहाँ पर, ठीक है, हमने क्या बोला x की जगह 1 बना, तो यहाँ पे आएगा 2 डिवाइड बाय 1, 5 बाय 3, 3 वन जा 3, 3 डिवाइड बाय 1 इज 3, 3 डिवाइड बाय 2 6, क्या रख बेटा। अब हम यहाँ पे देखते हैं 26 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3, यहाँ पे 26 आया, राइट, 26 डिवाइड बाई 3 यानी 3 हमने एलसीएम लिया, माइनस 3 यहाँ पे आता है, 26 माइनस 3 23 डिवाइड बाई 3, इट मीन्स एल एच एस और आर एच एस इक्वल नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं से ये गलत हुआ है। तो इसके लिए हम दोबारा से इसको चेक करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ट्रांसपोज किया हमने, किसको ट्रांसपोज किया, एक्स को, यहाँ पे एल एच एस में क्या आया, 2x 2x प्लस एक्स, राइट, और आर एच एस में क्या किया, 5 बाई 3, तो इधर प्लस में था, इधर आगे माइनस होगा। अब स्टूडेंट 26 माइनस 5 इज 21, 21 डिवाइड बाई 3 इज 3 नहीं होता है, 7 होता है, राइट, 7 डिवाइड बाई 3 इज 7 बाई 3। तो यहाँ पे जो x बना था हमने, यहाँ पे एल एच एस जो लिया हमने, तो 2 इंटू 7 बाई 3 क्या आया हमारे पास, 2 इंटू 7 बाई 3 इज प्लस 5 बाई 3, 2 इंटू 14 डिवाइड बाई 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 3, आएगा 14 प्लस 5 इज 19 डिवाइड बाई 3। इसी तरह से आर एच एस निकालेंगे हम, तो आर एच एस है 26 बाई 3 माइनस एक्स, 26 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स क्या आएगा, 7 बाई 3, ये आएगा 3, 26 माइनस 7 एंड 19 डिवाइड बाई 3। इस तरह से यहाँ से एल एच एस आर एच एस, यहाँ से आ गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, क्योंकि यहाँ भी 19 बाई 3 यहाँ भी 19 बाई 3। तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन से हमें ये यहाँ से ये पता चलता है कि जब तक हमारा एक्स एक्यूरेट ना निकले सॉल्यूशन, तो हमारे पास चेक भी ठीक नहीं आएगा। दैट इज चेक का हमें यहाँ क्वेश्चन में यही पता चल जाता है, इजीली पता चल जाता है चेक करने से कि हमारा सॉल्यूशन गलत निकला है कि ठीक निकला है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास, यहाँ पे बोर्ड पर लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन दी हुई है हमें, 3m इक्वल टू 5m माइनस 8 डिवाइड बाई 5। तो अब हम 5m को ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोजिंग किसको, 5m टू LHS, तो हमारे पास क्या आएगा, 3m 5m इस तरफ आएगा, माइनस 5m इक्वल टू माइनस 8 बाई 5, यहाँ से आएगा माइनस 3m माइनस 5m इज 2m इक्वल टू माइनस 8 बाई 5, माइनस माइनस यहाँ भी माइनस माइनस कैंसिल, पीछे आ गया 2 वन जो 2, यहाँ पे लिखेंगे m इक्वल टू 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो 8 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड हो गया, 2 वन जो 2 2 को जो 8, दैट इज हमारे पास आया 4 बाई 5, x हमारे पास m आ गया हमारे पास। अब हमें चेक करना है, तो चेक करने के लिए एल एच एस में वैल्यू भरेंगे, एल एच एस है हमारे पास 3m यानी 3 इंटू 4 3 बाई 5 इंटू एम निकला 4 बाई 5, तो 3 4 जा 12, 5 5 जा 20, नहीं यहाँ पे 5 तो था नहीं इसके साथ, 5 का 5, राइट। अब हम आर एच एस भी फाइंड आउट करेंगे, तो आर एच एस इसका फाइंड आउट करने के लिए आर एच एस क्या है हमारे पास, 5m माइनस 8 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पे 5 इंटू एम क्या निकला, 4 बाई 5 माइनस 8 बाई 5, दिस 5 दिस 5 कैंसिल हो जाएगा, पीछे हो जाएगा 4 माइनस 8 बाई 5, यहाँ पे देखें 5 और 1 कैल्शियम 5, 5 डिवाइड बाई 5 इज 1 इज 5, 5 मल्टीप्लाई 4 इज 20 माइनस 8 जाएगा 12 डिवाइड बाई 5,
फ्रेंड्स आप देख सकते हो LHS और RHS 12/12/5 आ रहे हैं, दैट इज हमारा सॉल्यूशन जो है हैंस LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया, इंप्लाइज हमारा सॉल्यूशन जो है वो करेक्ट है। राइट स्टूडेंट, तो इस तरह से आज मैंने आपको एक्सरसाइज 2.3 जो थी जिसमें इक्वेशन थी जिसमें वेरिएबल बोथ साइड्स थे वो मैंने आपको सॉल्व करके आपके सामने रख दी है। अब स्टूडेंट्स आपका काम है यहाँ से क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना और फिर खुद से प्रैक्टिस करना ताकि आपको ये क्वेश्चंस जो हैं इजीली आ सकें और इजीली आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो इसी के साथ मैं आपसे रुख्सत चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी।